नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले बीते एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। पाकिस्तानी सेना की कस्टडी से भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई। MiG-21 क्रैश होने के कारण POK में लैंड हुए थे विंग कमांडर, वापस लाने के लिए दिया गया था जिनेवा कन्वेंशन का हवाला। RBI ने NBFCs की एक नई श्रेणी बनाई। नई श्रेणी में NBFCs की 3 श्रेणियों को मिलाया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवेश और क्रेडिट कंपनी के नाम से बनी है नई श्रेणी। सुप्रीम कोर्ट ने वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित आदेश पर लगाई रोक। पहले दिया था जंगलों में रह रहे आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को बेदखल करने का आदेश। 18 दिसंबर 2006 को हुआ था वन अधिकार कानून पारित। सरकार बना रही है देश का अपना पब्लिक डोमेन नेम सर्वर लाने की योजना। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षित और तेज ब्राउजिंग मुहैया कराना होगा मकसद। इंटरनेट के लिए एक डायरेक्टरी की तरह होता है डोमेन नेम सर्वर। और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडायवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर नामक रिपोर्ट जारी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी FAO ने जारी की है रिपोर्ट। फूड सिस्टम में जैव विविधता की स्थिति के बारे में किया गया है अध्ययन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया समय में तेजी से बदलते संबंधों के समीकरण से। पुलवामा आतंकी हमले और भारत द्वारा बीते दिनों आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से गर्माहट का माहौल बना। दरअसल भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 POK में क्रैश हो गया था। वे पाकिस्तानी फाइटर जेट का मुकाबला कर रहे थे। MiG-21 क्रैश होने के बाद विंग कमांडर को POK में लैंड होना पड़ा। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी फौज ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उन्हें वहां से वापस लाने के लिए भारत ने जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया। इसके बाद विंग कमांडर को सकुशल रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 1949 की जिनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सेट है। यह कन्वेंशन युद्ध के दौरान दोनों पार्टियों द्वारा मानवीय ढंग से व्यवहार को सुनिश्चित करती है। इसके प्रावधान शांति की परिस्थितियों में घोषित युद्ध और ऐसे संघर्षों में लागू होते हैं जिन्हें एक या एक से अधिक पक्षकारों द्वारा युद्ध न माना गया हो। सभी देश जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता हैं। अब तक इसमें 4 संधियों सहित 3 प्रोटोकॉल्स हैं। जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 3 युद्धबंदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित है। इधर पहली बार भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक का 46वां सत्र 1 और 2 मार्च को आयोजित हो रहा है। यह बैठक अबू धाबी में आयोजित हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उद्घाटन बैठक में शामिल हो रही हैं। भारत की OIC में उपस्थिति ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत कूटनीतिक ढंग से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। OIC में भारत को आमंत्रण भारत का इस्लामिक दुनिया में किए गए योगदान को रेखांकित करता है। आपको बता दें कि OIC इस्लामिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसमें 57 सदस्य देश हैं। इसका सचिवालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक 27 फरवरी को चीन में आयोजित हुई। रिक देशों में रूस, भारत और चीन शामिल हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है। भारत ने इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में आतंकवाद से निपटने के लिए एक वैश्विक तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT को अंतिम रूप देने की भी बात कही। भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र के सामने CCIT का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। हाल ही में RBI ने NBFCs की 3 श्रेणियों को मिलाकर एक नई श्रेणी बनाई है। इसके तहत NBFCs की 3 श्रेणियों एसेट फाइनेंस कंपनियों, ऋणदाता कंपनियों और निवेशक कंपनियों को एक साथ मिलाया गया है। एक नई श्रेणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवेश और क्रेडिट कंपनी के नाम से बनाई गई है। यह फैसला गैर बैंकिंग उधारदाताओं को उनके कार्य संचालन में सहूलियत देने के लिए लिया गया है। हालिया फैसले की घोषणा इस वर्ष पहली बार अंतिम द्विमासिक समीक्षा में मौद्रिक नीति की विकास और विनियामक नीतियों के तहत की गई।
NBFCs यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कुछ खास बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। NBFCs कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ये उधार देने, जमा स्वीकार करने, विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार और चिट फंड से जुड़े कार्यों में निवेश करने जैसे कार्य करती हैं, लेकिन ये खुद के चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स की परिभाषा में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब किसी स्टार्टअप कंपनी को निगमन और रजिस्ट्रेशन की तारीख से लेकर अगले 10 सालों तक स्टार्टअप ही माना जाएगा, जबकि पहले यह समय सीमा 7 वर्षों की थी। अगर निगमन और पंजीकरण के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए किसी फर्म का कारोबार या टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो तो उसे एक स्टार्टअप माना जा सकता है। इससे पहले यह सीमा 25 करोड़ रुपए की थी। कर छूट का लाभ उठाने के लिए अब निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब 100 करोड़ रुपए के नेटवर्थ या 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली किसी रजिस्टर्ड कंपनी के स्टार्टअप में निवेश करने पर उसे इनकम टैक्स कानून की धारा 56(2)(b) के तहत छूट मिलेगी। स्टार्टअप सभी इन्वेस्टर को जो भी शेयर जारी करेंगे उनमें भी 25 करोड़ रुपए तक निवेश इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन के स्टार्टअप खोलने पर भी यह छूट जारी रहेगी। यह कदम निवेशकों और उद्यमियों को एंजल टैक्स में रियायत देने के मकसद से उठाया गया है। इस बदलाव से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT में स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत कंपनियों को राहत मिलने के आसार हैं। हाल ही में सरकार ने 42 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने का फैसला किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने कैंसर दवाओं की ट्रेड मार्जिन को युक्तिसंगत बनाते हुए इसे 30% तक सीमित कर दिया है। इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों को इसी आधार पर अपने खुदरा मूल्यों को तय करने का निर्देश भी दिया गया है। यह फैसला NPPA ने कीमत नियंत्रण आदेश 2013 के पैरा 19 के तहत जनहित में लिया है। इससे कैंसर दवाओं की कीमत 85% तक कम हो जाएगी, साथ ही कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च काफ़ी हद तक घट जाएगा। इन दवाओं के संशोधित मूल्य 8 मार्च से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अभी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स यानी DPCO के शेड्यूल 1 के तहत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में रखी गई दवाओं के दाम तय करता है। अभी तक करीब 1000 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया जा चुका है। नॉन शेड्यूल दवाओं की कीमत को हर साल 10% बढ़ाने की छूट होती है, लेकिन इन पर यह प्राधिकरण नज़र रखता है। फिलहाल अनुसूचित श्रेणी के तहत कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली 57 दवाएं कीमत नियंत्रण दायरे में हैं। विश्व बैंक, UN वुमेन और सिडबी वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड जारी करने के लिए एक साथ आए हैं। 5 साल के लिए जारी किए जाने वाले इन बॉन्ड से 300 करोड़ रुपयों की उगाही की जाएगी। ये बॉन्ड भारत के गरीब राज्यों की ग्रामीण महिलाओं को अपना उद्यम लगाने में मददगार साबित होंगे। इन बॉन्ड्स पर 3% की वार्षिक दर से कूपन रेट का निर्धारण होगा। कूपन रेट वो दर है जिस पर बॉन्ड जारी करता बॉन्ड की फेस वैल्यू पर ब्याज अदा करता है। आपको बता दें कि UN वुमेन यूनाइटेड नेशन की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। वहीं सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन और वित्त मुहैया कराने के लिए कार्य करती है। हाल ही में नीति आयोग और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर द्वारा द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस मौके पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने PJ नायक समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की। वे नायक समिति में सदस्य के तौर पर शामिल थे। यह समिति भारतीय बैंकों के बोर्ड के प्रशासन की समीक्षा पर आधारित थी। समिति ने अपनी सिफारिशें मई 2014 में सौंपी थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सार्वजनिक बैंकों के बिजनेस मॉडल में विविधता लाने पर जोर दिया है। यदि बैंकों के बिजनेस मॉडल में विविधता रखी जाएगी तो वे किसी आर्थिक झटके से एक साथ प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे उधार लेने वालों का व्यवहार और लोन चुकाने की इच्छा शक्ति की निगरानी करें। उन्होंने यह विचार भी रखा कि यदि बैंक उधार लेने वालों की कमियों को पकड़ नहीं पाते तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए।
हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ई कॉमर्स पर नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। इसे अभी आम जनता की राय के लिए रखा गया है। इस ड्राफ्ट नीति में भारतीय डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का जिक्र है। ड्राफ्ट नीति का शीर्षक ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी इंडियाज डेटा फॉर इंडियाज डेवलपमेंट है। नीति में बुनियादी ढांचे के विकास, ई मार्केट प्लेस, नियामक प्रावधान, देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ई कॉमर्स के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस नीति में इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल को नकार दिया गया है। सरकार ने भारतीय डेटा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए एक कानूनी और तकनीकी फ्रेमवर्क बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि मौजूदा परिवेश में डेटा के विश्लेषण से कई तरह के आर्थिक फायदे उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि भारतीय डेटा का आर्थिक लाभ देश के नागरिकों और कंपनियों को मिलना चाहिए। इसके लिए नीति में देश में डेटा के भंडारण की क्षमता बढ़ाने के उपाय भी बताए गए हैं। साथ ही डेटा भंडारण की जरूरतों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए 3 साल का समय दिए जाने की बात भी कही गई है। लेकिन नीति में एक स्वतंत्र ई कॉमर्स नियमन संस्था के मामले में कोई चर्चा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्से के साथ मिलकर इंडियाज ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से $1 ट्रिलियन आर्थिक मूल्य का सृजन कर सकता है। इसके अलावा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था हर साल $200 बिलियन के आर्थिक मूल्य का सृजन करती है। वर्तमान डिजिटल इकोसिस्टम 2017-18 में भारत के GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन के 8% के बराबर था। डिजिटल इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी ITBPM, डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज, ई कॉमर्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट्स और डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित अपने आदेश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले जंगलों में रह रहे उन आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को वहां से बेदखल करने का आदेश दिया था जिनके दावे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत खारिज हो गए थे। इस आदेश पर रोक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दावों का आकलन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया बताने के लिए कहा है। अपने पहले के आदेश में कोर्ट ने वनाधिकार दावे खारिज हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को 24 जुलाई तक या उससे पहले ही इन गैर दावेदारों को हटाने के लिए कहा था। साथ ही राज्यों को तय समय सीमा में इनकी बेदखली नहीं करने पर कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण को वनों का एक सैटेलाइट सर्वेक्षण करने और जहाँ पर बेदखली हो चुकी है वहाँ की अतिक्रमणकारी स्थिति पर आंकड़े तैयार करने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2006 को वन अधिकार कानून पारित हुआ था। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इसके तहत जंगलों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों को संरक्षण देते हुए उनकी पारंपरिक वन्य भूमि वापस सौंपी जानी थी। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने यह निर्णय उस याचिका पर दिया है जिसमें निर्वाचन आयोग ने EVM के बारे में मांगी हुई सूचना देने से मना कर दिया था। मुख्य सूचना आयुक्त ने EVM को एक सैंपल माना है जो कि मटेरियल फॉर्म में उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में बताया गया है कि सूचना के तहत क्या शामिल है। इसके मुताबिक सूचना के तहत किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जैसे कोई दस्तावेज, ईमेल, रिकॉर्ड, सलाह, आदेश, रिपोर्ट, सैंपल, मॉडल वगैरह शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। इससे विभिन्न धाराओं के तहत शक्तियां दी गई हैं। आयोग को अपने पास आने वाली शिकायतों पर जांच और निर्णय का अधिकार दिया गया है। साथ ही आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस सेवाओं के लिए ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे लॉन्च किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इस सर्वे का आयोजन करेंगे। मार्च से शुरू होने वाला सर्वे लगभग 9 महीने तक चलेगा। इसमें देश भर के 173 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस सर्वे से पुलिस के बारे में लोगों की मानसिकता को समझने में मदद मिलेगी। सर्वे में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उनमें समय पर पुलिस प्रतिक्रिया और कार्यवाही की गुणवत्ता, नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन, अपराधों की जाँच पड़ताल शामिल हैं।
इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। इस सर्वे से मिलने वाले नतीजों के आधार पर भविष्य में पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए नीति बनाने में मदद मिलेगी। सरकार जल्द ही देश का अपना पब्लिक डोमेन नेम सर्वर यानी DNS लाने की योजना बना रही है। इसका मकसद देश में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षित और तेज ब्राउजिंग मुहैया कराना है। इससे छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को विश्वसनीय DNS मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अपना DNS होता है। इसके साथ ही सरकारी DNS प्रयोगकर्ताओं को खतरनाक वेबसाइट पर जाने से भी बचाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC DNS के विकास की योजना को लागू करेगा। अभी NIC भी सरकारी नेटवर्क के लिए पब्लिक DNS का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि DNS इंटरनेट के लिए एक डायरेक्टरी की तरह होता है। यह डोमेन नामों को IP एड्रेस में बदलने में मदद करता है। डोमेन नाम इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के लिए होते हैं, क्योंकि इन्हें याद रखना आसान होता है, जबकि कंप्यूटर IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है। अगर DNS धीमा हो या काम न कर रहा हो तो ऐसे में इंटरनेट प्रयोगकर्ता वेबसाइट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। देश का अपना DNS विकसित होने के बाद भी प्रयोगकर्ताओं पर इसके इस्तेमाल के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और देश के कुछ घने बसे हरे भागों में निगरानी के लिए एक एरियल सर्विलांस सिस्टम पर काम करने की तैयारी की है। यह हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम देश में ऐसा पहला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखना है। इस कार्यक्रम के अगले 2 सालों में ऑपरेशनल होने की संभावना है। कार्यक्रम के तहत एरियल सोर्सेज के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी अनचाहे व्यक्ति की उपस्थिति की सही जगह की जानकारी भेज दी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा के पूर्व वैज्ञानिक कुमार कृष्ण को नियुक्त किया गया है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस को मुंबई में लॉन्च किया। इस मौके पर WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के हेपेटाइटिस के लिए गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। इस दौरान हेपेटाइटिस बी के प्रबंधन और इसकी जाँच के लिए तकनीकी गाइडलाइंस भी जारी की गई। वायरल हेपेटाइटिस पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 0.6 से 1.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। भारत दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हेपेटाइटिस बी और सी का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रबंधन किया गया है। साथ ही आजीवन मुफ्त में इसकी जाँच और इससे जुड़ी दवाओं की व्यवस्था भी की जाती है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस इसे लागू करने और आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। हाल ही में डिजिटल संचार आयोग ने भारत नेट की फाइबर परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को मंजूरी दी है। इसके बाद 2.5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया या बेचा जा सकेगा। यह प्रक्रिया लीज मॉडल के आधार पर शुरू की जा रही है। इसके तहत परिसंपत्तियों को नीलामी के माध्यम से 20 साल के लिए पट्टे पर या एक मुश्त बिक्री के जरिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। यह फैसला दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे से उबारने और राजस्व बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। इसके बाद भारत नेट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में निजी कंपनियां भी भागीदारी कर सकेंगी। भारत नेट ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो और सैटेलाइट के जरिए जोड़ने की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है। इसका मकसद ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती दरों पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। भारत नेट से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी दूर हो सकेगी। हालिया फैसला सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के फाइबर परिसंपत्तियों के प्रभावी इस्तेमाल करने में नाकाम रहने की वजह से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पौधों और जंतुओं की संख्या में तेजी से कमी आने के चलते भविष्य में खाद्य आपूर्ति को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट का नाम द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें फूड सिस्टम में जैव विविधता की स्थिति के बारे में अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हम भोजन के लिए कुछ सीमित प्रजातियों पर ही निर्भर हैं।
भोजन के लिए पौधों की लगभग 6,000 प्रजातियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में 200 से भी कम प्रजातियों का इस्तेमाल खाने के लिए होता है। इनमें से केवल 9 प्रजातियां ही दुनिया के शीर्ष फसल उत्पादन में शामिल हैं। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या की भोजन और पोषण से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियों को शामिल करना होगा। इस रिपोर्ट में 91 देशों के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि प्रदूषण, खराब जल प्रबंधन, भूमि उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की जैव विविधता को खतरा है। इनमें से जलवायु परिवर्तन 2050 तक जैव विविधता के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4,000 जंगली खाद्य प्रजातियां कम होती जा रही हैं। जैव विविधता में आ रही इस कमी का सबसे ज्यादा असर लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका पर हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। नई दिल्ली में भारत इटली के बीच बने ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी JCEC की 20वीं बैठक का आयोजन हुआ। JCEC भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रियों के स्तर पर बनाया गया तंत्र है। इस 2 दिवसीय बैठक में बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन और बौद्धिक संपदा जैसे मसलों पर बात की गई। JCEC की अगली बैठक इटली में 2021 में होगी। 2 से 15 मार्च तक भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास बांग्लादेश के तंगैल में आयोजित हो रहा है। यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड 6 श्रेणियों में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्यों की पहचान के लिए हर साल दिए जाते हैं। इस साल इन अवार्ड की थीम डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस थी। इस दौरान कैटेगरी 1 में IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली में एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव की थीम फ्लाइंग फॉर ऑल थी। इस कॉन्क्लेव का मकसद भारत में एविएशन इंडस्ट्री के भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए उद्योगपतियों, सरकार और नियामकों को एक मंच पर लाना था। इस दौरान ड्रोन इकोसिस्टम, एयरक्राफ्ट विनिर्माण, देश में क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ाना और नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। 27 और 28 फरवरी को नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव के खतरे को कम करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। आपको बता दें कि हालिया सालों में हीट वेव एक गंभीर मौसमी घटना के रूप में सामने आया है। जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान में इजाफे के कारण हीट वेव की तीव्रता में बढ़ोतरी हुई। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस साल इसकी थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी के दिन 1928 में भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। 20 से 24 फरवरी के बीच बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2019 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर लॉन्च किया। यह जनरेटर वायुमंडल में मौजूद नमी को पानी में बदल सकता है। इसके माध्यम से वायुमंडल में मौजूद नमी का प्रयोग करके पीने का पानी बनाया जा सकता है। यह जनरेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनी मैत्री के साथ मिलकर बनाया है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया। इसके तहत कक्षा 9 से आगे के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया 2019 के सत्र से लागू होगी। इसका मकसद क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम में तब्दील कर सीखने की प्रक्रिया को इंटरैक्टिव बनाना है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। यह डिक्शनरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत
भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने विकसित किया है। इसका पहला संस्करण 2018 में मार्च में लाया गया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 50.71 लाख बधिर लोग। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। सुपर एफिशिएंट एयर कंडीशन मौजूदा 3-स्टार AC की तुलना में 40% अधिक कुशल होंगे। आपको बता दें कि EESL विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 4 राष्ट्रीय उद्यमों का संयुक्त उपक्रम है। सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट यानी CIPAM आईप्रिज्म का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। आईप्रिज्म स्कूली छात्रों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए बौद्धिक संपदा से संबंधित एक प्रतियोगिता है। इस साल इस प्रतियोगिता के तहत 2 श्रेणियां रखी गई हैं। पहली है फिल्म निर्माण और दूसरी है कॉमिक बुक निर्माण। आपको बता दें कि देश में बौद्धिक संपदा के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए 2016 में नेशनल IPR पॉलिसी लाई गई। हाल ही में असम सरकार ने एक 3 सदस्यीय प्रणाम आयोग का गठन किया है। यह आयोग राज्य की प्रणाम योजना के तहत बनाया गया है। आयोग प्रणाम योजना के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगा। असम की प्रणाम योजना में प्रावधान है कि अपने माता पिता और दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10-15% की कटौती की जाएगी। कटौती से मिला पैसा माता पिता के बैंक खाते में भेजा जाएगा। प्रणाम योजना का पूरा नाम पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग है। और हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान के बागरू में टीटान वाला संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में छीपा समुदाय की हाथ से बनाई गई ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाया गया है। संग्रहालय पारंपरिक बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग को संरक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।